हेलो गाइस, राम राम सभी को मेरी तरफ से। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और मैं हूँ अभी चंडीगढ़। ये है अपनी गाड़ी, बहुत गंदी हुई है। जो बाकी अभी हम हो गए फ्री यहाँ से चंडीगढ़ से, तो पापा को पता नहीं कोई बगार फंस गई। बगार मतलब कोई काम हो गया किसी ने। तो यार वैसे ना लोगों को समझना चाहिए कि हम आए हुए पीजे किसी काम से, और पापा का टेस्ट हुआ है, पापा के दर्द हो रही है तुम्हें, और उन्होंने काम बोल दिया, वापस चला भी नहीं जा रहा। अब बताओ, मना करते तो बुरा मान जाते, क्या ही बोले। चलो अपनी अपनी सोच है। बाकी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, इस चीज़ को जो भी लिखाता है ना अच्छी बात है, पर इसको साफ रखा करो। चाहे पूरी गाड़ी गंदी रहे, ये साफ रहना चाहिए। हमारी गाड़ी पे भी आएगा, मतलब इसी से रिलेटेड आएगा, पर कुछ अलग चीज़ आएगी, देखना। सब लगाना फिर उसको, हालत ख़राब कर देते पीजे वाले। बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आ रही होगी ना। चले गए थे हम, रास्ते में फ़ोन आया फिर कि वापस आओ, हमने आपकी रिपोर्ट्स चेक करनी है। और हम पूछ के आए थे पहले कि हम जाएं, तो हमें बोला कि हाँ जाओ। चलो क्या बोल भाई, पीजीआई से आके सो गए थे, थक गए थे, क्योंकि ये भी बंदा बीमार हो गया बेचारा। फिर उसके बाद हम पूरा टास्क पूरा करने, और आज फ्रेंड का बर्थडे था, थोड़ा वो एंजॉय करेंगे। उससे पहले एक और कांड हो गया, मतलब हमारे दोस्त के साथ ही हुआ है, हमारे साथ में था भी वो, और आ रहा था वो, और रस्ते में ही दिखाता हूँ आपको। देखो अगर दिख पा रहा है आपको, देख तो लिया ही होगा, ऐसा हुआ हुआ। इसके पापा आ गए से दिल्ली, अब चल रहे हैं घर को वापस। क्या बोल रहे हैं अब यार, गलती दोनों की है मेरे हिसाब से तो। देखो पर ठीक है, वो इस चीज की खुशी है। अभी भाई साहब जी घर जा रहे हैं, तो देख क्या है अभी एक्सीडेंट। अरे अभी अपना याद आया कुछ? हमारा इतना बड़ा नहीं था यार, मगर हमारा सटाका ज्यादा था। हाँ मतलब यार पता क्या है, अपना सिस्टम था। नहीं यार चल, जो भी है आराम से चलो भाई, आराम से चलो यार। आजकल बहुत आराम से चलो, आजकल कुछ पता नहीं कब जैसे क्या हो जाए। पता क्या है, हम इस सब चीज का ना एक्सपीरियंस कर चुके हैं, 3 मंथ का पर्सनल एक्सपीरियंस। और यहाँ पे अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ मैं, सही आता हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, जिम भी जा रहा हूँ, पर मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ। मेरे एक और ऑपरेशन है, तब मेरी परफेक्शन होगी बिल्कुल, जो टांग मेरी ठीक होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने बताया नहीं था अभी तक व्लॉग में, मेरा आज से कोई 8 महीने पहले, मतलब 25 दिसंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ था, 20 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ था खुद का बाइक से, जिसमें मेरी बाइक को एक खरोच नहीं, मेरी बॉडी पे एक खरोच नहीं, सिर्फ मेरी टांग टूट गई थी और रॉड डली है मेरी टांग में। और जिसमें मेरी गलती बता दे रहा कितनी थी, 0.1% 1% मेरी गलती नहीं थी। और फिर भी तो यार हम, और मैं बहुत स्लो था उस टाइम, मैं तेज चलता हूँ मैं मानता हूँ, मैं पहले बहुत तेज चलता था, पर मैं अब बहुत स्लो चलने लग गया हूँ, और उस टाइम तो मैं इतने स्लो था चला हुआ, फिर भी हो गया। तो मैं भाई यही बोलता हूँ, स्लो चलो। अब मैं, हमने देखा उसके फादर भी आया अभी तो, और वो एक ही है क्या अपने घर का, अब कुछ ज़्यादा हो जाता तो क्या करते यार, है ना। मेरे तो इसलिए फैमिली वाले बोलते तू गाड़ी ही चलाया कर, मैं चलाता हूँ बाइक, क्योंकि मेरा देखो शौक है बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, ट्रैवलिंग करना, और मेरे को ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है बाइक पे। जा भी चुके हैं हम पहले, चितकुल भी जा चुके हैं, मैं तो आगरा भी जा चुका हूँ बाइक लेके, ये भी साथ ही जाते थे मेरे, हिमाचल टू आगरा। ठीक है, तो यार सेफ चला करो, कुछ नहीं रखा, सिर्फ 5 मिनट का खेल है ब्रो, हम सोचते हैं ना इतने खींच के, क्योंकि मैं जैसा चलता था ना मुझे पता है, हमारा पूरा ग्रुप होता था। अच्छी बात बताता हूँ गाइस आपको, हमारा पूरा ग्रुप होता था। मैं आज ही बोल रहा हूँ, मेरे पास FZ 150 FZ, तो मैं मतलब ऐसा था कि
उस बाइक में तो ना 200 सीसी बाइक, मैं नहीं, कॉर्नरिंग स्किल्स मेरी ऐसी थी, मैं चलो टच वुड बहुत अच्छा, पर नहीं नहीं यार बहुत गलत है, कुछ नहीं बचता। रवि बता दे खुद हम कैसे चला करते थे यार। आप मानोगे नहीं, हम कसौली से कालका 19 मिनट में पहुंच जाते थे टाइमर ऑन करके। ये जो आजकल में बन रहे हैं ना राइडर रूडर, किसी टाइम इन्हीं से खुद पूछना पड़ता है भाई, नहीं से कि हाँ जानते थे। हमारा 5 बंदों का ग्रुप था। मैं रात को 3 बजे आता था परमाणु से, और मतलब डेली नहीं पर आया हुआ यार, तो मैं यार ऐसा होता था ना कि 19 मिनट 20 मिनट में घर पहुंचता था। मुश्किल, ये भी ज्यादा है, बहुत रेयर चांस। हमारे मैं बहुत तेज लोग निकलते थे ना, ये बोलते थे कि बचेंगे, और उनके बाद सक चुकी। फिर ऐसा नहीं हुआ कि हमारा एक का एक्सीडेंट हुआ और हम सारे रुक गए, सबका हो गया एक बार, सबका हो चुका है हमारा। कईयों की टांगे टूटे, कईयों का मुंह टूटा है, मेरा पूरा नाक टेढ़ा है, मुंह टेढ़ा है, स्कल तक क्रैक है, यहाँ से यहाँ तक क्रैक है, सब सिस्टम है तो यार। पर चलो हाँ, वो भी है, पैशन है, हम फॉलो अभी भी कर रहे हैं, हम अभी भी राइड पे जाते हैं और अभी भी जाएंगे आगे, बहुत अच्छे अच्छे राइड पे। पागलों की तरह नहीं चलाते यार, बहुत सोच समझ के। अब हम जैसे बताते हैं ना आगे किसी को कि यार ऐसा मत चल, वो सोचते कि तुम्हारे को क्या पता यार तुम ऐसे, तो मैं बताता हूँ कि भाई चलो ठीक है, मैं क्या बोलूँ यार आपको, पर मत चलो यार, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ सब चीज, इसलिए अपना नहीं यार, कम से कम माँ बाप का सोचा करो बस। एक बार ना चलने से पहले अपने माँ बाप की इमेज ना अपनी आंखों के सामने लाया करो कि हाँ वो है पीछे, फिर देखना आप खुद स्लो चलोगे। तब भी नहीं चलते यार तो मैं क्या बोलूँ आपको, वैसे तो हम तो सब एक्सपीरियंस कर ही चुके हैं। आप पता नहीं क्या देखो, हॉस्पिटल ले गया, वैसे तो बोलो ठीक है, खांसी ने बुरा हाल किया बाइक तो, और आई होप अच्छा ही हो यार बंदा। जाएंगे उसको देखने, अभी यार टाइम नहीं था, पर जाएंगे जरूर जल्दी में, ये भी बीमार हुआ हुआ है ना, सोलन से आए भी, पर जाएंगे उसको देखने। कुछ शांत आ रहा है ड्यूक लेके यार, वैसा देखते ना बड़ा बुरा लगता। अबे भाई उल्टी चल रही है कि सीधी चल रही है, देख तो भाई इतनी फॉग हुई भी ना, बंदे को आगे पता नहीं लग रहा जाना कहाँ पे। चलो मैं इसके पीछे चलता हूँ, इसको थोड़ी लाइट तो दिखेगी। और यार मैं देखो उनसे भी रिक्वेस्ट है, मतलब जो बंदे देखते हैं ना, जैसे कोई बाइक वाला तेज निकल रहा है ना, और एकदम कमेंट करते हैं मरेगा बजेगा, यार ये कमेंट मत करा करो प्लीज, क्या पता यार कब आपकी जुबान पे सरस्वती बैठी हो, बोलते हैं ना दिन में एक बार ऐसा होता है कि बात सच होती है, तो यार ऐसा मत बोला करो किसी को भी। हाँ आप समझा दो कि भाई आराम से, ऐसे मत किसी को यार कमेंट करो कि ये मरेगा बजेगा ऐसा ऐसा ना। मैंने सब जो भी देखा, मैंने ऐसे देखा कोई भी बाइकर आगे से तेज निकल रहा है ना, या गाड़ी वाला जो बोले मरेगा साला, यार ये क्या बात हुई, ऐसे बोलना चाहिए किसी को, ये चीज़ ठीक नहीं यार। हम तो देखो इसलिए हम नहीं बोलते किसी को, मैंने कहा स्टार्टिंग से ऐसे कभी किसी को नहीं बोला, कोई भी अगर तेज निकला हो कि हाँ मरेगा, मैं बोल देता हूँ कि यार भाई स्लो चल। अब तो बल्कि कोई तेज भी निकलता मेरे मुंह से निकलता भाई प्लीज स्लो, चाहे उसको ना सुनाई दे रहा हो पर मेरे अंदर से निकलता है। मैं आ नहीं रहा था क्या फ्रेम में, ऐसी बोली जा रहा था। एक तो तबीयत ठीक नहीं हो रही यार, कम से कम हफ्ता हो गया। ठीक है जी, पहुंच गए वापिस घर यार मित्र, भाई स्लो है ना स्लो, ये देख रहे फॉग है ये सारी, कितना धुंध आ रही यार देख तो बहुत ज्यादा। दिखाई जरा शक्ल दिखाइयो, शक्ल नहीं दिखाएगा क्यों, क्या हो गया कुछ नहीं हुआ फिर यार भाई ने कैमरा ऑन कर रखा क्या आज, फिर पेशाब करने 300 मीटर दूर। और बावे बंदे जा रहे, बावे बंदे। गुड मॉर्निंग सभी को, आज है डे 2 और कल वीडियो का एंड नहीं किया था, और मैं सुबह अभी तो 11 बज गए, सुबह का उठा मैं बैठ के रील्स देख रहा था, पूरी फ़ोन की बैटरी कर दी ख़त्म। और यार ये परेशान कर दिया ऐड ने, एक ने कौन कौन परेशान है इस ऐड से, एक ऐड एक रील देखते नहीं यूट्यूब पे या किसी पे भी, उसके बाद मेरा नाम नासर खान है, मैं कलकत्ता से पता नहीं कहाँ से, सारा दिमाग ख़राब हाउस ऐड की भाई, इतनी बार आती ना वो, इतनी बार आती ना
कौन कौन परेशान है उससे बताओ कमेंट में जरा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नई वीडियो अब भी स्टार्ट कर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और इंस्टा पे फॉलो ज़रूर कर लेना, डालता हूँ अपना इंस्टा हैंडल साइड में, है ना, देख लेना आएगा अभी। बाय बाय, राम राम सभी को।